रोहन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगहें तलाशना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक आम के पेड़ के नीचे एक डिब्बा मिला। यह डिब्बा लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना था। इस पर अजीब से निशान बने हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि इसके अंदर क्या है। रोहन बहुत उत्साहित था। उसने सावधानी से डिब्बे का ढक्कन उठाया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रोशनी बहुत तेज थी। यह क्या हो सकता है? रोहन ने एक आंख से झांका। रोशनी चली गई थी। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी दुनिया थी। छोटे छोटे घर, पेड़ और एक चमकती हुई नदी। यह जादू जैसा था। वाह, यह तो अद्भुत है। रोहन ने उस छोटी सी दुनिया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक नई जगह पर था। सब कुछ असली था, अब छोटा नहीं था। रोहन हांफने लगा। उसका जाना पहचाना आम का पेड़ गायब था। वह ऊंचे घने पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा में गर्मी और नमी थी। अजीब अजीब पक्षी घने पत्तों के बीच से आवाजें निकाल रहे थे। वह कहां था? ये जगह तो गजब है, लेकिन थोड़ी डरावनी भी। रोहन ने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम और गीली थी। उसे उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। यह एक साहसिक कार्य था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि आगे एक खुली जगह है। उसके बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर चमकीले रंगों के फल लदे हुए थे, और एक नीचे की डाल पर एक ऐसा पक्षी बैठा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह पक्षी रंगों का एक अद्भुत मिश्रण था। उसके पंख पन्ना हरे, नीलमणि नीले और माणिक लाल रंग के मिश्रण से चमक रहे थे। लेकिन जो बात रोहन को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, वह यह थी कि वह पक्षी बोल रहा था। स्वागत है युवा यात्री, तुम तोते के जंगल में आ गए हो, एक ऐसी जगह जहां इंसानों की नजरें कम ही पड़ती हैं। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बोलने वाला पक्षी? यह जगह सचमुच जादुई थी। मैं यहां कैसे पहुंचा? तुम्हें जादू का डिब्बा मिला। जादू का डिब्बा, इसमें तुम्हें अलग अलग दुनिया में ले जाने की शक्ति है, लेकिन सावधान रहना युवा, जादू अप्रत्याशित हो सकता है। रोहन ने उस छोटी सी दुनिया के बारे में सोचा जो उसने डिब्बे के अंदर देखी थी, तो इसीलिए वह यहाँ आ गया था। क्या यह मुझे वापस घर ले जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हें तोते के जंगल में क्या काम है? रोहन साहसिक कारनामों के लिए उत्सुक ने घर लौटने से पहले इस जगह को तलाशने का फैसला किया। पक्षी ने उसे जंगल में गहरे छिपे एक प्राचीन महल के बारे में बताया। कहा जाता है कि इसमें कल्पना से परे खजाने हैं। पक्षी ने चहचहाते हुए कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। पक्षी के निर्देशों का पालन करते हुए रोहन जंगल में और गहराई में चला गया। वह बेलों को हटाता हुआ आगे बढ़ा, उबलती हुई धाराओं को पार करता हुआ, और आखिरकार उसने उसे देख लिया। महल बहुत ही शानदार था। यह सफेद पत्थर से बना था, जिसमें ऊंची मीनारें और सुंदर नक्काशी थी। रोहन ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह अंदर चला गया। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। महल में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो धूल भरी फर्श और फीके टेपेस्ट्री को रोशन कर रही थी। रोहन भव्य हॉल और गूंजते कक्षों में घूमता रहा। सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज ही गूंज रही थी। सबसे ऊंची मीनार के बिल्कुल ऊपर वाले कमरे में रोहन को एक संदूक मिला, जो जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने इतनी दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। वह अकेला महसूस कर रहा था। रोहन ने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, उनकी हंसी और खेलों के बारे में। असली खजाना तो दोस्ती और रोमांच को साझा करना है। उसने जल्दी से संदूक को बंद कर दिया और जादू के डिब्बे के पास वापस चला गया। वह अपने दोस्तों को उन अजूबों को दिखाने के लिए उत्सुक था जो उसने देखे थे। उसने उन्हें जादू के डिब्बे, बोलने वाले पक्षी और प्राचीन महल के बारे में बताया। उसके दोस्त उसकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। वह अपने अगले साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। रोहन और उसके दोस्तों ने अपनी अपनी मंजिलें चुनी। उन्होंने रेगिस्तान के एक नखलिस्तान की खोज की, चंचल डॉल्फिन द्वारा संरक्षित एक क्रिस्टल क्लियर झील में तैराकी की, और एक विशाल गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उड़ान भरी। इन सब के माध्यम से उन्होंने टीम वर्क और सहयोग का महत्व सीखा और खोज की खुशी साझा की। प्राचीन महल से मिले खजाने का क्या हुआ? रोहन और उसके दोस्तों ने इसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। उन्होंने अपने गांव के लिए एक कुआं बनवाया और एक स्कूल भी खोला।
रोहन को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खजाना साझा करने की खुशी है और दुनिया में बदलाव लाने से मिलने वाली खुशी है। और ये एक ऐसा खजाना था जो जीवन भर रहेगा।